Hello friends, welcome to Antarjal Academy. Today we are going to study History of Class 9th, Chapter Number 1, The French Revolution, ka Part 6, The Revolution and Everyday Life. पिछले वीडियो में हमने एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी देखा था. अब हम देखेंगे कि और क्या क्या चेंजेस आए, और हमने ये भी पढ़ा था कि लोगों की जिंदगी में कैसे चेंजेस आए, उनकी ड्रेसिंग कल्चर और लाइवलीहुड कैसे बदल गई. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ पास हुआ वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. बिफोर द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप द किंग हैज टू अप्रूव द न्यूज़पेपर्स, बुक्स और प्लेज. लेकिन सेंसरशिप बैन होने के बाद पीपल वर अलाउड टू पोस्ट और एक्ट एनीथिंग. नाउ दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. नाउ द प्रिंट कल्चर हैज एक्सपैंडेड. पार्टीज और इवेंट्स की इंफॉर्मेशन भी पब्लिश होने लगी. उस टाइम लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड एंड पीपल हैव realize that words have more power than action. अब हम बात करेंगे the rise of Napoleon की. 1804 में Napoleon ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया. But he wanted to conquer the world. तो उसने यूरोप के दूसरे राज्यों पर भी हमला करना शुरू कर दिया. उसने कई सारे रूल्स बनाए और लॉज पास किए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. Napoleon ke paas duniya ki sabse strongest army thi, magar 1815 ki battle of Waterloo ne Napoleon ko hara diya aur uske baad Napoleon ke rajya ka ant ho gaya. Ab fir se naye ideas France mein aane lage. The idea of liberty and democratic rights were the most important. 19th century mein ye ideas phaile and the feudal system were abolished. और यहाँ हमारे चैप्टर का एंड होता है. और इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए कॉलोनियल पीपल reworked द आइडियाज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सोवरेन नेशन स्टेट. टीपू सुल्तान और राममोहन रॉय जो इंडिया से थे, इन्होंने भी फ्रांस के रेवोल्यूशनरी आइडियाज पर रिस्पॉन्ड किया और अपना आर्टवर्क किया. Thank you. And for more videos, subscribe to the channel Antarjal Academy.